यह है एशिया का सबसे बड़ा गणपति बापा का मंदिर जो गुजरात में अहमदाबाद में है। यहाँ बच्चों के लिए छोटा सा एम्यूजमेंट पार्क भी है। ये 3 माले का सबसे बड़ा गणपति बापा का मंदिर है जो रॉक से बना हुआ है। पूरे भारत में गणपति बापा का मंदिर जो प्रसिद्ध है वो यहाँ पर दर्शाया हुआ है। पूरे विश्व में कहाँ कहाँ गणपति बापा का प्राचीन मंदिर है वो यहाँ पर बताया हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हो डिस्कवर डिवाइन इंडिया और मैं हूँ प्रतीक त्रिवेदी। आज हम सिद्धिविनायक मंदिर एक्सप्लोर करने वाले हैं। अहमदाबाद के पास आया हुआ छोटा सा टाउन है अहमदाबाद, और अहमदाबाद में आया हुआ यह सिद्धिविनायक भगवान का मंदिर है गणपति बापा का। और ये मंदिर भारत में नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा गणपति बापा का मंदिर है जो गणपति बापा के फॉर्म में है। तो चलिए इस मंदिर को एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों, मेरे इस चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, गुजरात में अहमदाबाद और नडियाद के बीच आया हुआ एक छोटा सा टाउन है अहमदाबाद, जहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा गणपति बापा का मंदिर यानी श्री सिद्धिविनायक मंदिर आया हुआ है। दोस्तों, ये मंदिर एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया हुआ है। दोस्तों, आपको यहाँ पर आना है तो आपको ट्रांसपोर्टेशन इजीली मिल जाएगा। अहमदाबाद से स्टेट ट्रांसपोर्ट बस भी मिल जाएगा। अहमदाबाद में भी रेलवे स्टेशन है तो आपको बस, रिक्शा और ट्रेन की फैसिलिटी इजीली आपको अवेलेबल है। ये पार्किंग एरिया बहुत बड़ा है, कार, बाइक, बस और यहाँ तक कि आप हेलीकॉप्टर भी यहाँ पर पार्क हो सकता है, हेलीपैड है यहाँ पर। दोस्तों, ये मंदिर के परिसर की बात करें तो ये मंदिर करीब 6 लाख स्क्वायर फीट के एरिया में बना हुआ है। मंदिर का लेंथ 120 फीट है, हाइट 71 फीट है और विड्थ करीब 80 फीट है। तो एंट्री वास है और यहाँ पर आपको जूते चप्पल यहाँ पर निकालना है। यहाँ बच्चों को खेलने के लिए एम्यूजमेंट पार्क भी है जो बहुत ही मज़ा आने वाला है। वीआईपी पास और प्रसाद काउंटर यहाँ पर है। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसका नाम है। मंदिर के परिसर में जाने के लिए आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। मंदिर परिसर में जगह जगह पे आपको हाथी का स्टैचू देखने मिलेगा जो बहुत ही अट्रैक्ट करता है। मंदिर परिसर में यहाँ पर बहुत ही बड़ा गार्डन है जहाँ पर आप अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ फोटो वीडियो शूट कर सकते हो। यहाँ पर बड़ा सा रॉक है जो शिवलिंग के आकार में बनाया हुआ है। दोस्तों, अभी श्री सिद्धिविनायक गणपति बापा का भोजन का समय हो चुका है तो यहाँ पर युवा महाराज भोग लेकर जा रहे हैं। ये मंदिर का आकार आप देखोगे तो गणपति बापा के आकार में बना हुआ है और पूरा रॉक पत्थर से बना हुआ है जो आपको बहुत ही अट्रैक्ट करता है। तो
भी मंदिर के अंदर जाते हैं तो आपको लेफ्ट साइड से अंदर जाना है और राइट साइड से आपको बाहर निकलने का रास्ता है। यह मंदिर में एंटर करते तो आपको डायरेक्ट थर्ड फ्लोर पर ही जाना पड़ेगा जहाँ पर श्री सिद्धिविनायक गणपति बापा विराजमान है। और सेकंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर रिटर्न आने टाइम आपको एंट्री है जहाँ पर बहुत कुछ है देखने लायक। आप इस मंदिर के अंदर का बनावट आप देखोगे तो आपको पूरे रॉक से ये बना हुआ है और एक तरफ से आप ये एक गुफा ही समझो। तो यहाँ थर्ड फ्लोर पर श्री सिद्धिविनायक गणपति बापा विराजमान है, आप दर्शन कर लीजिए। तो रिटर्न आने के टाइम हम लोग सेकेंड फ्लोर जाते हैं जहाँ पर सरणेश्वर महादेव के दर्शन हो गए। यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग के आपको दर्शन हो गए सेकेंड फ्लोर पर। तो ये सेकेंड फ्लोर है और यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग के आपको दर्शन हो गए और बीच में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है जो रुद्राक्ष की माला से बनाया हुआ है। यहाँ पर यज्ञ कुंड भी है, आपको अगर यज्ञ हवन करना है तो यहाँ पर सभी प्रकार की फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों अभी हम लोग फर्स्ट फ्लोर पर है और यहाँ पर मन्नत ली जाती है। अगर आपको मन्नत लेनी है तो यहाँ पर आपको गेहूं से आपको उल्टा स्वास्तिक बनाकर मन्नत ली जाती है और मन्नत पूरी होने पर आपको यहाँ पर सीधा स्वास्तिक बनाकर मन्नत पूरी की जाती है। यहाँ पर आपको माता लक्ष्मी का श्री यंत्र के दर्शन भी हो गए और श्री यंत्र का क्या महत्व है उसके बारे में भी यहाँ पर डिटेल में लिखा हुआ है। यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे आपको बहुत कुछ गणपति बापा के बारे में यहाँ पर देखने मिलेगा। यहाँ पर पूरी दुनिया में गणपति बापा का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ कहाँ पर है, यानी प्राचीन मंदिर कहाँ कहाँ पर है वो यहाँ पर दर्शाया हुआ है। कात्यायनी माता श्री अर्बुदा देवी माता जी के दर्शन भी हो गए यहाँ पर जो शक्ति पीठ है। यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पर चिंतामणि शिला है जहाँ पर आप अपनी उंगली से अपनी मनोकामनाएं लिखकर गणपति बापा को अर्पित कर सकते हो। पूरे भारत में गणपति बापा के कौन से प्रसिद्ध मंदिर है वो यहाँ पर बताया हुआ है।
तो मंदिर के आखिरी पड़ाव में हम लोग आ चुके ग्राउंड फ्लोर पर। यहाँ पर गणपति बापा की मूर्ति है जहाँ पर आप जल अभिषेक कर सकते हो। यह भगवान श्री जगन्नाथ सुभद्रा जी और बलराम जी के दर्शन भी हो गए आपको। दोस्तों यहाँ पर सिद्धिविनायक संस्था के द्वारा यहाँ पर फ्री में चिकित्सालय है जहाँ पर आप चेकअप भी करवा सकते हो। यहाँ पर आपको हर एक प्रकार की आयुर्वेदिक दवाई मिल जाएगी और वहाँ पर प्रसाद काउंटर है। आपको अगर तुला दान करना है तो यहाँ पर फैसिलिटी है, आप अपनी इच्छा के अनुसार तुला दान कर सकते हो। यह सर्वेश्वर महादेव के दर्शन भी हो गए आपको। तो अभी हम लोग मंदिर के बाहर निकल चुके हैं। आप देख सकते हो कि कितना बड़ा और भव्य मंदिर है। मंदिर से बाहर ही निकलते ही आपको यहाँ पे फूड कोर्ट मिल जाएगा। आपको खाना या नाश्ता पानी जो करना है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और यहीं पर ही बाजू में यज्ञशाला है जो अभी बंद है। ये यज्ञशाला है जो अभी बंद है। आपको यज्ञ करना है, हवन करना है तो यहाँ पर फैसिलिटी है। को यहाँ पे कौन सा यज्ञ करना है यहाँ पर लिस्ट है। तो ये बहुत ही बड़ा कैंटीन एरिया है तो आपको खाने पीने की यहाँ पर कोई भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। इसी कैंटीन एरिया में बच्चों और बड़ों के लिए यहाँ पर गेम जोन है जहाँ पर आप एंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों सिद्धिविनायक मंदिर की यात्रा यही समाप्त करते हैं। अभी गर्मी का मौसम है तो शाम का टाइम बहुत ही बेस्ट है, आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ यहाँ पर आ सकते हो। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं अगले हिस्टोरिक टेंपल में। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।